धमधा मार्ग स्थित गौठान के बुरे हाल पर बनी खबर का हुआ असर। गौठान की दुर्दशा देख भाजपा पार्षद अजीत वैद्य ने अपनी मानदेय राशि से 5,000 रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गौठानों के उन्नयन के साथ ही बेहतर रख रखाव के अभाव में शहर के गौठानों की बदतर स्थिति की खबर हमने ग्रैंड एशियन न्यूज में प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसके बाद गौवंश प्रेमियों ने खुद आकर स्थल का निरीक्षण किया और गौठान का जायजा लिया। यहां का जब मंजर देखा तो जनप्रतिनिधियों के भी होश उड़ गए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के साथ गौवंशों के बेहतर रख रखाव को लेकर गौठानों की योजना जारी की गई है, ताकि घुमंतू व आवारा मवेशियों का रख रखाव ठीक तरीके से हो पाए। पर वहीं दुर्ग के धमधा मार्ग स्थित गंज मंडी में बने गौठान का धरातल में नजारा और ही दर्दनाक नजर आया। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे ओम शांति गौठान, जहां करीब 150 से अधिक गाय और उनके सुंदर बच्चों को रखा गया है, जिनकी खाने पीने के साथ रख रखाव पर शासन की बातें धराशायी नजर आई, जिसके चलते मौके पर पहुंचे वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य ने गौठान की दुर्दशा को देख अपने मानदेय की राशि से 5,000 प्रतिमाह इन गायों के चारा देने के लिए घोषणा की। इस संबंध में गौठान की संचालिका और पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जब नली में इतना दलदल भरे, नाली तो बना दो, अपन नाली भी बनाए पर नहीं है, नहीं टूटी के साधन करीस, नहीं टीला के साधन करीस, टीला बस लले के बनाई से अभी आप ही मन बताओ ना। अच्छा, फोन करे यार दे रहे डॉक्टर के पास, आऊँ को नहीं आया डॉक्टर, डॉक्टर से नाम लो बताना, तिवारी करके तिवारी टाइप से है, नाम तो नहीं जानो, तिवारी हरे डॉक्टर, नहीं नहीं आए हो हाँ। शुरू शुरू में आए दो तीन बार मैं, हाँ मतलब दिसंबर से हुआ आपके महीना। अच्छा, वहाँ से ला तुम भैया शीतोला बस्ती से जो है ना महाराज, वहाँ से हम चारा ला था वाले मंदिर खानपुरा में। हमारे समूह में मतलब 14 जन है ना, एलएफ के अध्यक्ष हम, यहाँ हमारे 300 महिला के अध्यक्ष भी, वो भी सहोत्तर थे मुला दिसंबर से हमारे लाखन पैसा से लाखन, हाँ तो सपोर्ट नहीं करे हमला निदम, हाँ तो सपोर्ट नहीं मिला, तो डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं बुला था, फिर भी नहीं आया डॉक्टर, हम नहीं आए क्या बता रहे सब। एक समूह ने दिसंबर में इस गौठान की ओपनिंग किए, माननीय महापौर जी, विधायक महोदय जी और अन्य कांग्रेस के बड़े नेतागण ने आकर के यहाँ की ओपनिंग की, और आज ये आलम है, एक गाय का बच्चा भूखों मर गया, भूख से तड़प के मर गया, और सारी की सारी गायें आज भूख से इतनी तरस रही हैं, परेशान हैं, उनको खाने के लिए ना दाना है ना चारा है, आज जो भी खाना और दाना जो परोस रही है समूह की दीदी, वो अपने समूह के बलबूते पे आज इन सैकड़ों गैया, लगभग 100 से अबव गैया होंगी, उनको सारी गैया को पालने वाली ये समूह की महिलाएं हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं और इनके जज्बात को प्रणाम करता हूं, और मैं अजीत वैद्य वार्ड नंबर 12 से जब तक मैं पार्षद रहूँगा इस गौठान को 5,000 रुपया अपने मानदेय से देने का वादा करता हूं। जैसा कि इस छत्तीसगढ़ में गौ माता वो आप और हम एक माँ का दर्जा दिया हुआ है, उस माँ के साथ ऐसा छलावा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार में। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, पूरे देश शहरवासियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आकर के या तो इस गाय को छोड़ दें, रिहा कर दें इस जेल से, कि जो दर दर भटक रहे थे सड़क पे, कम से कम अपने लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ एक जगह बांध करके इनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर कभी नहीं आते, कोई गाय बीमार हो जाए उसके लिए कोई डॉक्टर ना कॉल अटेंड करता है ना खुद आता। महापौर जी भी जब से यहाँ पर ओपनिंग किए उसके बाद आज तक यहाँ पर आए नहीं है, माननीय विधायक महोदय नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं इस गौशाले की हालत
यहाँ का पानी बाहर नहीं निकल पाता, नालियों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ऐसा इस कांग्रेस सरकार ने गोबर बेचने की व्यवस्था को इस कदर चूर चूर किया है कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आप इन गौ माता की स्थिति परिस्थिति को आप देख करके आप खुद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। यार मन से ऐसी इतनी तड़प हो रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पूरे दुर्ग शहर के निवासियों से अनुरोध है, जैसा बने जितना बने आप सभी लोग इस गौशाले की गौ माताओं के लिए मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बता दें करीब 8 माह पहले बने इस गौठान में दुर्ग निगम के अधिकारी व कर्मचारी अभी तक इसकी सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। इस जगह की लचर व्यवस्था के चलते अब तक यहां 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत भी हो चुकी है। जरूरत है इस ओर ध्यान दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।